हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आप देखेंगे लास्ट वाले वीडियो में मैं आपसे बात किया था, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ के बारे में बात किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉन्ग के बारे में बात किया था, इसमें बेसिक स्ट्रेस के बारे में बात किया। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इलांगेशन और डिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम, चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये दो वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इलांगेशन या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बार। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो कन्फ्यूज भी होते हैं इन दोनों टॉपिक में, कि क्या आपसे इलांगेशन पूछा है या फिर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है। तो इन दोनों चीज़ों को एकदम अच्छे से मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, दोनों एकदम क्लियर डिफरेंस देखेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर बार अगर लोडेड है, एक्सेल ही अगर लोडेड है, एक्सेल लोड लग रहा है, वैसे कंडीशन में इलांगेशन डिफ्लेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, बहुत ही क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे आप ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, लेट्स क्रैक गेट एन एसीपी आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इंडिया में सबसे राइट सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, फॉर गेट एन एसी दोनों के लिए आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा मैं अपने बारे में थोड़ा सा। माय नेम इज़ मुकेश कुमार शर्मा एंड आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, एज वेल आई हैव मोर देन 6 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों पढ़ा चुका हूँ। मे भी हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी देख रहे होंगे वीडियो, जो मुझे पहले भी ऑनलाइन देख चुके होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर से आप पढ़ चुके होंगे या फिर ऑफलाइन भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं अभी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आप देखेंगे जनरली मैं जो सब्जेक्ट्स डील करता हूँ, चाहे फिर वो आपका सॉम हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चाहे फिर वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, या फिर टॉम या वाइब्रेशन हो, ऑलरेडी ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा, राइट, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब अनअकैडमी पे भी आप ये सब सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो बेसिकली अभी मैं बेसिक वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे, अच्छे लेवल के टॉपिक लेंगे, जितना बेस्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल। आप कौन से वीडियोस, कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज़ और चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर गेट एन ई सी, गेट एन ई सी के लिए सब्सक्राइब करेंगे फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ गेट एन ई सी। अगर आप गेट एन ई सी कम्प्लीटली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं विथ फुल कोर्स, तो वैसे कंडीशन में आप गेट और एसी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। और ये सब्सक्राइब करने का बेनिफिट अगर मैं आपसे बात करूँ, तो बेनिफिट होगा जितने भी इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे, जितने भी इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज होंगे, जिनको आप जानते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जितने भी लोग हैं, जितने भी फेमस लोग हैं, फेमस फैकल्टीज है, वो सभी आपको पढ़ाते हैं। और आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी को, तो आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर आप 1 ईयर का कोर्स ले रहे हैं या 2 ईयर्स का कोर्स ले रहे हैं, तो आप थ्रू आउट द ईयर अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव में आ सकते हैं, उसके बाद उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप 1 मंथ के लिए अगर लेते हैं सब्सक्रिप्शन, सो इट विल कॉस्ट यू 7500। 3 मंथ्स के लेंगे तो टोटल अमाउंट आपको पड़ेगा 12500। 6 मंथ्स के लिए 20000। 12 मंथ्स के लिए आपको पड़ेगा 25000, दैट इज़ 1 ईयर के लिए। और 2 ईयर्स के लिए आपको पड़ेगा 32500। ये एक्चुअल रेट है। यू कैन यूज़ माई कोड लाइव एम एस, आप लाइव एम एस यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड है लाइव एम एस, एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन और एट द टाइम ऑफ परचेस यू विल गेट 10% डिस्काउंट। कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 1 ईयर कोर्स परचेस करते हैं, 12 मंथ्स यानी 1 ईयर का कोर्स अगर आप परचेस करते हैं, उसका एक्चुअल कॉस्ट जो 25000 होगा, आफ्टर यूजिंग दिस कोड लाइव एम एस आपको ये मिल जाएगा 22500, दैट इज़ 2500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर आप 2 ईयर्स का, 24 मंथ्स का, 2 ईयर्स का अगर आप परचेस करते हैं, जिसका एक्चुअल कॉस्ट है 32500, आफ्टर यूजिंग माई कोड लाइव एम एस, ये आपको मिल जाएगा 29250 में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो 2 ईयर्स का कोर्स जो अगर रिकमेंड करेंगे, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन के हिसाब से, रीज़न कैन बी एनी डिफरेंट, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी मान लीजिए ऐसे है 3rd ईयर में, जिनको 2 साल भी टाइम बाकी गेट देने में, इसी देने में, तो पूरा 2 साल यूज़ कर सकते हैं, इसलिए 2 साल के लिए सब्सक्राइब करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है फाइनल ईयर में हो, जिनके पास 1 साल है, लेकिन होता है कि एक बार अगर आपने गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आप फिर गेट के बाद आप अगर फिर से कोई दूसरे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे मैं आपको फिर से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने गेट तो ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी आप कंटिन्यू रह सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, और बेनिफिट ले सकते हैं फॉर
अनदर 1 ईयर ऑल्सो, और आपको थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आता है। जैसे आप देखेंगे लास्ट वाला आपको 22,500 डिस्काउंट के बाद, और ये वाला जो हो जाएगा 29,250 पे आ जाएगा। सो स्लाइट अमाउंट ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आप 2 ईयर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं आप फॉर गेट एन ईएससी फॉर ऑल द टॉप एजुकेटर्स थ्रू आउट द इंडिया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो यूज़ माई कोड लाइव एम एस एट द टाइम ऑफ परचेस सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। ओके चलिए ठीक है, टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग, इलॉन्गेशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार। अब देखिए टॉपिक में आ रहे हैं इलॉन्गेशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार्स में आ रहे हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस होगा वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इलॉन्गेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ में एक या दो क्वेश्चन लेके सॉल्व भी करूँगा क्लास में, जिससे आप समझ पाएंगे इलॉन्गेशन एंड डिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले इलॉन्गेशन के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट वन इज इलॉन्गेशन, सबसे पहले इलॉन्गेशन के बारे में बात करूँगा। तो इलॉन्गेशन किसका होता है, इलॉन्गेशन ऑफ बार, ऑफ फुल बार, कंप्लीट बार। बार के लिए देखते हैं एग्जांपल, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा है आपके पास एक बार है हुज लेंथ इज एल, जिसका लेंथ मान लीजिए अगर एल है, एंड फोर्स अप्लाई उस पर आप जो एक्सेल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज पी अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एंड यंग्स मॉडुलस ई, यंग्स मॉडुलस ई है। हियर वी हैव ए प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार है जिसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, वैसे कंडीशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ के बाद, फॉर्मूला आता था डेल्टा एल इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। सो हियर वी हैव एल, सो पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, आई कैन राइट हियर एल, पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलॉन्गेशन। सो दिस वन इज नोन एज इलॉन्गेशन। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन मीन्स वॉट इज द इंक्रीज इन द लेंथ, इलॉन्गेशन मीन वॉट इज द इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ कितना बढ़ गया उसको बोलते हैं हम लोग इलॉन्गेशन बोलते हैं। कितना लेंथ बढ़ी, लेट्स से दिस वैल्यू इज 5 mm, सपोज लेट्स से दिस वैल्यू इज 5 mm, ये वैल्यू आपका सपोज करिए 5 mm, इसका मतलब ये जो है इसका इलॉन्गेशन ये इलॉन्गेट हो गया थोड़ा सा, लेट्स से वैल्यू इज 5 mm, तो आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास डेल्टा एल विच इज 5 mm, 5 mm दैट मीन्स डेल्टा एल 5 mm। अब देखिए ये जो बार है उस बार का इलॉन्गेशन हो गया, दैट मीन्स उस बार का लेंथ बढ़ जाता है बाई 5 mm, उसी को हम लोग बोलते हैं इलॉन्गेशन बोलते हैं। तो आपने कोई भी फॉर्मूला लगा लिया, वैसे इलॉन्गेशन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, ये प्रिज्मेटिक बार है तो उसके लिए फॉर्मूला पी एल बाई ए ही था, अगर टेपर बार होता तो 4 PL डिवाइडेड बाई राइट 4 PL डिवाइड पाई डिवाइड डी टू हो जाता इस तरीके से। तो आप देखेंगे अलग अलग बार के लिए अलग अलग इलॉन्गेशन का फॉर्मूला आएगा, तो इलॉन्गेशन के फॉर्मूले से आप इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं, जिसका मतलब होगा वो बार कितना, उस बार का कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं बेसिकली इलॉन्गेशन बोलते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा डिफ्लेक्शन सिंपल सा होता है, फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट डिफ्लेक्शन जो होगा आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होगा, फॉर अ पॉइंट ऑन बार, बार पे किसी एक पॉइंट के लिए होगा एंड नॉट फॉर द कंप्लीट बार, कंप्लीट बार के लिए नहीं होता डिफ्लेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इलॉन्गेशन जो होगा वो किसी बार का होगा, फॉर अ बार, ठीक है फॉर अ बार हो जाएगा। जैसे देखिए यहीं पर अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूँ, यहीं पर अगर मैं आपसे अगर बात कर लेता हूं कि अगर ये वाला पॉइंट ए है, देखिए ये वाला पॉइंट आपका सपोज पॉइंट ए है, आफ्टर लोडिंग, लोड लगाने से पहले पॉइंट ए यहां पे था, लोड लगाने के बाद आपका इलॉन्गेशन हो गया, लेंथ बढ़ गया बार का, और उसके बाद आप देखेंगे ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, दैट इज़ ए डैश आ गया। सो व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है, डिफ्लेक्शन बोलते हैं या इसको कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट, कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्टेंस वो आपका पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। अब देखेंगे पॉइंट ए जो था पहले यहाँ पे था इस वाले पॉइंट पे, बाद में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया एट पॉइंट ए डैश, एट पॉइंट ए डैश, सो हाउ मच शिफ्ट, कितना डिस्टेंस ये शिफ्ट हो गया इसको बोलेंगे डेल्टा ए, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, दिस नोन एज डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए का बार के ऊपर जो पॉइंट ए है उसका डिफ्लेक्शन या फिर उसका क्या आ गया बताइए, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। वैसे अगर मान लीजिए कहीं पे अगर पॉइंट बी होता, बार पे अगर कहीं पे पॉइंट बी होता उसका भी निकाला जा सकता था कि वो कितना डिस्प्लेस हो गया है या कितना डिफ्लेक्ट हो गया, वो निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इस तरीके से है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई बार अगर लगा हुआ है इस तरीके से, अगर कोई बार अगर यहाँ पर ऐसा है और इसमें दूसरा पोर्शन भी अटैच है, इसमें दूसरा पोर्शन भी ऐसे अटैच है, सपोज़ करिए ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट आपके लिए बी, और ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे सी हो गया।
सपोज इफ लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, अगर आपका लोड जो है अगर इस वाले पॉइंट पे अगर एक्ट करता है, इस वाले पॉइंट पे अगर लोड मान लीजिएगा पी एक्ट करेगा, वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इलोंगेशन होगा सिर्फ पहले वाले पोर्शन का होगा, फर्स्ट पोर्शन एंड हियर वी हैव सेकेंड पोर्शन ऑफ द बार। आपका पहला वाला पोर्शन जो होगा, लेट्स से डेल्टा एल वन इज इक्वल टू 3 mm, 3 mm का राइट इलोंगेशन हो जाएगा पहले वाले पोर्शन का इलोंगेशन, यानी पहले वाले पोर्शन का लेंथ 3 mm बढ़ जाएगा। दूसरे वाले पे कोई भी लोड नहीं है, इसलिए डेल्टा एल टू जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 0 आ गया। वैसे कंडीशन में अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन बताइए, तो ये तो इलोंगेशन होगा इंडिविजुअल पोर्शन का, पहले वाले पोर्शन का इलोंगेशन 3 mm मान लीजिए, दूसरे वाले का कितना आ रहा है 0 आ जा रहा है, तो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल इलोंगेशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट बी का अगर कोई पूछे व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी हियर, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए पॉइंट बी कितना डिफ्लेक्ट होगा बताइए, टेंसाइल लोड है राइट साइड में 3 mm क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 mm, ये हो गया आपके लिए 3 mm। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी के बारे में अगर कोई पूछे पॉइंट सी कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो देखिए होगा क्या, इलोंगेशन ऑफ फर्स्ट पोर्शन कितना होगा 3 mm, यानी पॉइंट बी 3 mm आगे चला गया, लेकिन पॉइंट सी भी उतना ही आगे जाएगा बिकॉज सेकेंड वाले पोर्शन का कोई भी इलोंगेशन नहीं हो रहा है, तो जितना पॉइंट बी आगे जा रहा है उतना ही पॉइंट सी भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी ऑल्सो 3 mm ऑन द राइट हैंड साइड, दोनों 3 mm राइट हैंड साइड पे क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन की अगर बात करूँ तो पॉइंट ए यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, सो हियर वी हैव पॉइंट ए विच इज़ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और फिक्स पॉइंट मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसका जो डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 0। उसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इलोंगेशन के बारे में बात किया, साथ ही साथ डिफ्लेक्शन की या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया हूँ, तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि ठीक है इलोंगेशन ऐसा होगा और डिफ्लेक्शन आपका ऐसा हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, और इलोंगेशन पॉइंट के लिए नहीं होता। इलोंगेशन किसके लिए होगा बताइए, इलोंगेशन मतलब किसी पूरे बार के लिए होगा, पूरा बार कितना एक्सटेंड कर रहा है उसके लिए इलोंगेशन उसको बोलते हैं। और भी एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, आपके पास अगर ऐसा लोड लगा हुआ है, सपोज 3 पोर्शन में बार है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इस तरीके से है, फर्स्ट सेकेंड एज वेल एज थर्ड इस तरीके से, और मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है पी, इफ़ लोड एक्टिंग इज पी है, लोड अगर यहाँ पे पी लगा हुआ है, अलग अलग पॉइंट है, सपोज़ हियर वी हैव पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट आपका बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी आ गया इस तरीके से। नाउ वैसे कंडीशन में क्या, इंडिविजुअल पोर्शन के ऊपर लोड आएगा, इंडिविजुअल पोर्शन का इलोंगेशन आप निकाल सकते हैं, डेल्टा एल वन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एल टू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एल थ्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों को फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पोर्शन के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हियर वी हैव 2 mm, हियर वी हैव 3 mm एंड हियर वी हैव 5 mm। मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया पी एल डिवाइड बाई ए इंटू ई, और उसके बाद लेट्स से कि आपका वैल्यू जो इतना आ जाता है 2 mm, 3 mm, 5 mm आपका वैल्यू आ जाता है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा इलोंगेशन कितना इंडिविजुअल पोर्शन का, अलग अलग पहले पोर्शन की इलोंगेशन 2 mm, दूसरे का 3 mm, थर्ड वाले पोर्शन का 5 mm इलोंगेशन है, एंड डेल्टा एल टोटल, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार अगर कोई पूछेगा, तो ये हो जाएगा तीनों को ऐड करके डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों टेंशन इन नेचर है, सो 2 + 3 5 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 10 mm। ये आ गया आपके पास 10 mm आ गया है। लेकिन अब देखिए डिफ्लेक्शन अगर कोई पूछे, डिफ्लेक्शन पूछे तो कैसे बताएंगे, व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन फिक्स पॉइंट है इसलिए 0 बोल देंगे। व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन देखिए कैसा होगा, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, देखिए ये वाला जो है आपका पॉइंट बी है, जब पहला वाला पोर्शन इलोंगेट होगा, तो जितना पहला वाला पोर्शन इलोंगेट हो रहा है 2 mm, उतना ही पॉइंट बी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 mm। ये आ गया आपके पास 2 mm। नाउ व्हाट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी कितना डिफ्लेक्ट होगा देखिए, तो पहला वाला पोर्शन 2 mm से इलोंगेट हुआ, दूसरा वाला पोर्शन 3 mm से इलोंगेट हुआ, तो पॉइंट बी 2 mm शिफ्ट हुआ, और सी वाला भी पोर्शन 3 mm इलोंगेट हुआ, तो 2 + 3 = 5, तो आपके पास डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू दैट इज इक्वल टू 5 mm, 5 mm डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी के बारे में अगर बात करूँ, पॉइंट डी कितना डिफ्लेक्ट हुआ, यानी इनिशियली पॉइंट डी यहाँ पे है, लोड लगाने के बाद कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट डी डैश आ गया होगा, सो दिस इज नोन एज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी, डेल्टा डी। अब उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना आएगा, देखिए पहले वाले का जितना इलोंगेशन है प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, तीनों को ऐड करके दैट इज डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, तीनों के इलोंगेशन जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं,
टू प्लस थ्री प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू 10 mm, तो ये आ गया आपके पास 10 mm आ गया। इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, पॉइंट ए का, बी का, सी का और डी का डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालने में बोलेगा तो अलग अलग पॉइंट का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको इलोंगेशन निकालने बोलेगा तो अलग अलग पोर्शन का, ध्यान दीजिएगा इलोंगेशन एक पर्टिकुलर पोर्शन का या बार का होता है, बट डिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला और एग्जांपल लेता हूँ इलोंगेशन डिफ्लेक्शन बेसिस पे, जिसमें आप थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिएगा इस तरीके से एग्जाम्पल लूँ, ध्यान देना है आपको। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, दो पोर्शन है बार में, ये फर्स्ट वाला पोर्शन और ये सेकेंड वाला पोर्शन, और लोड लग रहा है ये वाला पॉइंट सपोज ए, ये वाला पॉइंट सपोज करिए बी, और ये वाला पॉइंट सपोज करिए सी है। सपोज करिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसा लोड लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा लोड लगा हुआ है। सपोज कोई भी लोड का वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, अभी लोड ऐसे लगा हुआ है। वैसे कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी ने गिवन डेटा दे दिया, किसी ने अगर आपको गिवन डेटा दे दिया दैट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका क्या मतलब है? देखिए पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पॉइंट सी कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी पॉइंट सी राइट साइड में भी शिफ्ट नहीं होगा, पॉइंट सी लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट नहीं होगा, इसका ये मतलब है। इसका मतलब पॉइंट सी वहीं पर रहेगा। और ऐसा कब पॉसिबल है? देखिए ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब पहले वाले का जितना कंप्रेशन होगा दूसरे वाले का उतना ही इलोंगेशन हो जाए, तो पॉइंट सी वहीं पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई बोला कि फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, बोल दिया जो फर्स्ट वाला पोर्शन है जिसका नाम आप दे सकते हो ए बी पोर्शन बोल सकते हैं, और जो सेकेंड वाला पोर्शन है, जो सेकेंड वाला पोर्शन है राइट दैट इज़ बी सी पोर्शन। वैसे कंडीशन में सेकेंड वाला पोर्शन ये है, मान लीजिए पहले वाले पे कंप्रेसिव लोड आ रहा है, दूसरे वाले पे मान लीजिए टेंसाइल लोड आ रहा है, दूसरे वाले पे टेंसाइल लोड आ रहा है। अगर दोनों का मान लीजिए जो इलोंगेशन है, जैसे मान लीजिए अगर मैं डेल्टा एल वन अगर निकालूँ, तो ये सपोज करिए आ रहा है 5 mm आ रहा है, सपोज करिए 5 mm निकालने से आया डेल्टा एल टू, और फॉर्मूला वही लगाएंगे पी एल डिवाइडेड बाई ए इन टू ई, सपोज करिए ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये भी आ गया आपके पास 5 mm आ गया है, लेकिन ये टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव, और ये कंप्रेसिव है इसलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव 5 लगा दे रहा हूँ, नेगेटिव 5 mm। वैसे कंडीशन में क्या होगा? अगर मुझे निकालना पड़ेगा डेल्टा सी निकालना पड़ेगा, सो व्हाट इज डेल्टा सी? सो डेल्टा सी हो जाएगा डेल्टा एल वन प्लस हो जाएगा डेल्टा एल टू हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा सी जो हो जाएगा, डेल्टा एल वन जो है कंप्रेसिव कर -5 mm, तो ये आ गया -5 mm, ये आ गया +5 mm, तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन अगर आपको 0 दे रहा होगा, इसका क्या मतलब है? एक आपका रहा होगा टेंशन में, दूसरा आपका रहा होगा कंप्रेशन में, पहला टेंशन तो दूसरा कंप्रेशन, या फिर दूसरा टेंशन तो पहला वाला क्या होगा कंप्रेशन में होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा बताइए? सेम हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा सी, ठीक है, अगर डेल्टा सी की अगर बात करूँ तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैं डेल्टा सी के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ, ठीक है, आप अगर देखेंगे डेल्टा सी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ बताइए? डेल्टा सी के बारे में अगर आपसे बात करूँगा तो आप बोलिए, ठीक है, डेल्टा सी जो होता है वो होता है डेल्टा एल वन प्लस होता है डेल्टा एल टू हो जाता है इस तरीके से, तो डेल्टा सी तो जीरो है, सो दिस विल बी इक्वल टू -Δ L1 प्लस डेल्टा एल टू हो जाएगा, दिस विल बी हियर, सो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अगर पॉइंट सी आप देखते हैं, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन अगर जीरो पहले से आपको दिया हुआ है एग्जाम में, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों ही पोर्शन का जो डिफ्लेक्शन इलोंगेशन होगा वो सेम होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, अलग बात है दोनों का नेचर डिफरेंट है। इसको आप देखेंगे तो ये कंप्रेसिव मतलब नेगेटिव और टेंसाइल मतलब कैसा हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का नेचर डिफरेंट है इलोंगेशन का, एक आपका कंप्रेसिव है दूसरा टेंसाइल है, पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई वैसे कंडीशन में पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन क्या हो पाएगा आपका? जीरो हो पाएगा। तो ध्यान देना है, कभी भी डिफ्लेक्शन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो बेसिकली बनाना तो आपको इलोंगेशन सही है, क्योंकि कहीं पे भी डिफ्लेक्शन आप निकालते हो तो कहीं ना कहीं आपको इलोंगेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। डेल्टा जो है ये डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, और डेल्टा एल को जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर इलोंगेशन, इस वाले सिम्बॉल को यूज़ कर रहे हैं हम लोग इलोंगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आपको फाइंड आउट करना है इलोंगेशन डिफ्लेक्शन, तो इलोंगेशन आपको फाइंड आउट करना ही पड़ता है। इंडिविजुअल पोर्शन का, अलग अलग पोर्शन का पहले आप निकालते हैं इलोंगेशन, उसके बाद ही आप डिफ्लेक्शन को आप निकाल पाते हैं। और जनरली इलोंगेशन का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रिज्मेटिक बार के लिए, PL डिवाइडेड बाई ए इंटू ई यूज़ कर लेते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि प्रिज्मेटिक बार जो होगा, जहाँ पे प्रिज्मेटिक बार का मतलब होगा कि आपका एरिया कांस्टेंट है, लोड का वैल्यू कांस्टेंट है, लेंथ का वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है, ई का वैल्यू कांस्टेंट है, जब सभी वैल्यू कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या पी एल बाई ए
पहले वाले पोर्शन का, दूसरे वाले पोर्शन का, तीसरे वाले पोर्शन का, जितना भी पोर्शन होता है सभी का आप फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन, और उस इलोंगेशन को ऐड करने के बाद अलग अलग पॉइंट्स का आप डिफ्लेक्शन बता सकते हैं। जैसे इस वाले में अगर मेरे से कोई पूछता व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन बताइए, तो मुझे क्या बताना पड़ता, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल टू ओनली डेल्टा एल वन, सिर्फ पहला वाला डेल्टा एल वन आ जाता बस, दूसरा वाला नहीं आता, ऐड नहीं होता, और पहला वाला जो है निगेटिव है, माइनस में है, तो डेल्टा बी आप लिख लेते, सो डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस फाइव एम एम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट नहीं हो रहा, प्लस होता तो राइट साइड में शिफ्ट होता, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं और किसी पर्टिकुलर पोर्शन का, बार का क्या निकाल सकते हैं, इलोंगेशन निकाल सकते हैं। इलोंगेशन निकालना है तो किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है तो जो आप इलोंगेशन निकाल चुके हैं उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलोंगेशन एज वेल एज डिफ्लेक्शन। इलोंगेशन जो होगा पूरे बार का, जैसे बार है मान लीजिए, इस बार का कितना लेंथ बढ़ रहा है, दैट इज़ नोन एज इलोंगेशन, पर उस बार पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके बेसिस पे क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, एक या दो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। गेट और एसी का मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, पहला वाला क्वेश्चन जो लिया हूँ, ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ, गेट 2016 से ले रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा दिया देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल बार विथ अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन द फिगर। देखिए सीधी सी बात है, एक फिगर दिया, उस साइड आपको देखिए यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और लोड दिया हुआ है, यहाँ पे लोड एफ, यहाँ पे लोड आपको पी दिया हुआ है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, द यंग्स मॉडुलस फॉर द सेक्शन ए बी एंड बी सी आर 3 and E। देखिए इसके लिए यंग्स मॉडुलस 3 दिया हुआ है, इसके लिए यंग्स मॉडुलस आपको कितना दिया बताइए, ई आपको दिया हुआ है। वैसे कंडीशन में बोला हुआ है फॉर द डिफ्लेक्शन एट सी टू बी 0, पॉइंट सी जो है यहाँ पे देखिए पॉइंट सी है, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन ये आपको गिवन डेटा दिया हुआ, और गिवन डेटा क्या दिया बताइए, फॉर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी टू बी 0, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन अगर आपको 0 रखना है वैसे कंडीशन में द रेशियो पी बाई एफ, तो ये जो लोड आपका पी है, ये लोड एफ है, तो रेशियो पी बाई एफ का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बाई एफ, तो पी बाई एफ कितना होगा, व्हाट इज़ दिस वैल्यू पी बाई एफ, पी बाई एफ कितना होना चाहिए आपसे पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए हम लोग। देखिए लोड लगा हुआ है, मल्टी एक्सियल लोडिंग है, यहाँ पे एक लोड लगा है एक्सियल डायरेक्शन में, यहाँ पे लोड लगा हुआ है पी और एफ, और पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन जो है ये गिवन डेटा है आपको, दैट इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आपको निकाल के लेके आना है, सिंपल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात किया था ऐसे केसेस पे जहाँ पे किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन अगर 0 आता है, दो पोर्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप लिखना चाहेंगे डेल्टा सी इक्वल टू 0, डेल्टा सी इक्वल टू 0 लिखते हैं तो डेल्टा सी कितना होगा, डेल्टा सी तो पहले वाले पोर्शन की इलोंगेशन डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इक्वल टू कितना करेंगे बताइए, 0 कर देंगे आप, बिकॉज व्हाट इज डेल्टा सी, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये पहला वाला पोर्शन ले लेते हैं, इस वाले पोर्शन को सेकेंड वाला पोर्शन ले लेते हैं, और दोनों पोर्शन में ऑब्वियसली बात है पहले समझ जाएंगे कि दोनों पोर्शन इस तरीके से होगा, एक टेंशन होगा और दूसरा कैसा होगा बताइए, कंप्रेशन होगा, पहला वाला टेंशन, दूसरा वाला कंप्रेशन। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका सेकेंड वाला पोर्शन है, तो आप पहले ही समझ गए हैं कि दोनों पोर्शन, एक टेंशन होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। देखिए मान लीजिए राइट साइड से देखते हैं, इस पर आपको लगा हुआ लोड एफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर लोड आपने एफ लगा लिया, इस वाले पोर्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपने लोड एफ लगा लिया, ठीक। आप देखेंगे ये वाला पॉइंट आपका सी है, ये वाला बी है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, इस तरीके से। अब देखिए पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी पे जो लोड लग रहा है कितना लग रहा है बताइए, पी लोड लग रहा है, यानी पॉइंट बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पॉइंट बी पे जो लोड लगना चाहिए, पॉइंट बी पे जो लोड लगना चाहिए वो लगना चाहिए आपका पी लगना चाहिए, दिस इज लोड पी, पी लोड लगना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पी लोड लगना चाहिए, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर बोलूँ, यहाँ से खड़े होकर देखिए ऐसे बोलता हूँ कि आपको पी लोड वहाँ लगाना है, पी लोड लगाना है, इसका मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि ठीक है आपको जो लोड लगाना है 100 लोड लगाना है 100, और उसमें से ऑलरेडी आपने 20 लोड लगा चुका है, आप ऑलरेडी 20 लोड लगा दिए हैं, क्योंकि देखिए एफ है और ये पी है, और कितना लोड आपको लगाना पड़ेगा, ये दो ही बात है, किसी को 100 रुपीज़ देना है, आपने ऑलरेडी 20 रुपीज़ दे दिया है, और कितना आपको देना पड़ेगा, और आपको कितना देना पड़ेगा, 80 रुपीज़ आपको और देना पड़ेगा, क्यों, आपको 100 देना था टोटल, आपने ऑलरेडी कितना दे चुका है,
₹20 दे चुके हैं, बाकी बच गया कितना, डिफरेंस ऑफ दिस टू, दोनों का डिफरेंस 100 - 20 इज इक्वल टू 80। इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। इन द सेम वे उसी तरीके से आप देखेंगे और कितना लोड यहाँ पे आना चाहिए, और कितना लोड यहाँ पे आना चाहिए। सो 100 - 20 इज इक्वल टू 80 इन द सेम वे P - F, तो ये हो जाएगा आपका P - F हो जाएगा। और बैलेंस में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए इस तरफ जो लोड आएगा इस तरीके से ये भी आ जाएगा आपका P - F आ गया। तो आप देख सकते हैं P - F इस तरीके से आ चुका है आपके पास, यहाँ पे P - F आ गया है। आप देख लीजिए, एक आपका टेंशन में है, दूसरा आपका कैसा आ जाएगा बताइए, कंप्रेशन में। एक टेंशन में आ गया, दूसरा आपके उस किस में आ गया बताइए, कंप्रेशन में आ गया है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपसे बात करूँगा तो पहला वाला पोर्सन जो है निगेटिव बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, दूसरा वाला पोर्सन पॉजिटिव डेल्टा, निगेटिव डेल्टा L1 और यह आ जाएगा पॉजिटिव डेल्टा L2 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन निगेटिव ले लिया और यहाँ पे साइन पॉजिटिव ले लिया, निगेटिव वाले को उस तरफ ले लूँगा। सो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा डिफ्लेक्शन का वो कैसा होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब दोनों का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, सिंस वी आर नोइंग द फॉर्मूला फॉर डेल्टा L, डेल्टा L का फॉर्मूला होता है PL / A × E। अब देखिए लोड तो लगा हुआ है, पहले वाले पोर्शन में कितना लोड लगा है बताइए, P - F, दूसरे पोर्शन में कितना लोड लगा है बताइए, F लगा हुआ है। तो ये इसका P आ गया और ये इसका P का वैल्यू आ गया, दोनों का लेंथ भी सेम है, पहले वाले का लेंथ L दिया हुआ है, दूसरे वाले का लेंथ भी L दिया है, यंग्स मॉडुलस 3 और कितना दिया है, E दिया है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 से स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे डेल्टा L1, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, तो फॉर्मूला P × L। तो पहले वाले पोर्शन पे P - F लोड आ रहा था, P लोड मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई एरिया इंटू E का वैल्यू दिया था, 3E दिया था, 3E दिया था इज इक्वल टू, दूसरे वाले पोर्शन की अगर बात करें, दूसरे वाले पोर्शन में देखिए लोड का वैल्यू F दिया था, राइट, लेंथ L दिया हुआ है तो, और यंग्स मॉडुलस E दिया है सिर्फ, तो ये हो जाएगा P, राइट, P मतलब F दिया है, L डिवाइडेड बाई A इंटू कितना आ गया, E आ गया। इस तरीके से A E कैंसिल, यहाँ पे लेंथ से लेंथ आपका कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विथ P - F डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू F, सो वी कैन राइट P - F इज इक्वल टू 3F और सॉल्व कर लेंगे, सो P इज इक्वल टू 4F और आपको वैल्यू निकालना था, P / F आपको फाइंड आउट करना था, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 4 आ गया, एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यही चीज़ आपसे पूछा था, वॉट इज़ द वैल्यू P / F कितना आएगा, और अगर आप देखेंगे यही चीज़ आपसे पूछा था, देखिए क्वेश्चन में वॉट इज़ द वैल्यू P / F कितना आएगा आपको निकालना था, और ये P / F का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बताइए, 4 आ गया आपके पास, सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डिफ्लेक्शन पॉइंट C पे 0 दिया। अब देखिए पिछला स्लाइड आ रहा हूँ मैं, अब देखेंगे पॉइंट C पर डिफ्लेक्शन, गिवन डेटा था, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट किए, गिवन डेटा था डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C = 0, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C = 0 जो दिया हुआ था, जो कंडीशन दिया हुआ होता है ना वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं। पॉइंट C पर डिफ्लेक्शन दिया था उसको ले लिए, क्वेश्चन को आराम से क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो इस तरीके से देखेंगे, मैंने यहाँ पर इलॉन्गेशन के फॉर्मूले को भी यूज़ किया है, साथ ही साथ डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर लियो फॉर पर्टिकुलर बार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप देखिए ये वाला पॉइंट A है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट A आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट आ गया C आ गया है। इस तरीके से ये फिक्स किया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट, ये भी रिजिड सपोर्ट यहाँ पे आपके पास है, ऐसा देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द स्टेप्ड स्टील बार ABC इज लोडेड बाई लोड P। देखिए यहाँ पे पॉइंट B जो है, पॉइंट बी पे यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे पी लोड लगा हुआ है आपके पास, पी लोड लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, द मटेरियल है यंग्स मॉडुलस E = 200 GPa दिया हुआ है, ई का वैल्यू दोनों ही पोर्शन के लिए, इसके लिए भी ई का वैल्यू 200, इसके लिए भी ई का वैल्यू 200 दिया, दोनों पोर्शन के दिया हुआ है। एंड एरिया आपको जो दिया है, द टू पोर्सन AB and BC हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm² and 2 cm², तो यहाँ पे ये 1 cm², इस पहले वाले का इस एरिया जो है, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 cm² दिया है, दूसरे वाले का एरिया 2 cm², दूसरे वाले का एरिया आपको दिया हुआ है। अच्छा ये लेंथ 1 मीटर है, ये mm नहीं है, इसका लेंथ 1 मीटर,
ये वाला लेंथ भी 1 मीटर है, ये गलती से मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको मीटर लेना है। दोनों का लेंथ जो 1 मीटर 1 मीटर दोनों का लेंथ भी दिया हुआ है, 1 मीटर आपको दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पी रिक्वायर्ड, यानी कितना लोड है, व्हाट इज द वैल्यू पी, पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लोड पी इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, लोड पी के वैल्यू किलो न्यूटन टर्म्स में कितना होना चाहिए, सो दैट राइट लोड पी रिक्वायर्ड टू फिल अप द गैप ऑफ 0.75 mm, सो दैट ये जो गैप है आपका 0.75 mm का जो गैप है वो फिल हो सकता है, वो फिल हो सकता है। देखिए सीधी सी बात है, कब ये गैप फिल होगा, तो ये जो पॉइंट सी यहाँ पे है आपके पास, देखिए ये पॉइंट सी जो यहाँ पे है, जब वो पॉइंट सी यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट सी डैश पे आ जाएगा, मान लीजिए सी डैश बोल दिया, जब वहाँ पे आ जाएगा तो गैप फिल हो जाएगा, तो कितना पॉइंट सी को शिफ्ट करना पड़ेगा बताइए, डेल्टा सी, दिस इज डेल्टा सी, ये आ गया आपका डेल्टा सी आ गया, यानी पॉइंट सी को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, बिकॉज अगर गैप को अगर आपको भरना है, फिल करना है, तो पॉइंट सी को कितना आगे आना पड़ेगा, कितना शिफ्ट होना पड़ेगा बताइए, गैप के इक्वल टू, गैप के बराबर शिफ्ट होना पड़ेगा, विच शुड बी इक्वल टू गैप, दैट इज इक्वल टू 0.75 mm, 0.75 mm आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। अब अगर 0.75 mm शिफ्ट होना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, डेल्टा सी कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला वाला पोर्शन और दूसरा वाला पोर्शन, लोड जो लगा हुआ इस वाले पॉइंट पर लोड लगा, देखिए आप लोड अगर इस पॉइंट पर लगा है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये लोड पी लगेगा, जब भी टेंसाइल इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से लोड लगा है, जब भी लोड लगेगा पी यहाँ पे, तो पहला वाला पोर्शन जो है इलांगेट होगा, बट दूसरे वाले पोर्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो लोड ऑन द सेकंड पोर्शन। तो आप ऐसा देखेंगे, पहला वाला फर्स्ट वाला जो पोर्शन है राइट, जस्ट लुक एट हियर, आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो होगा, जो आपका फर्स्ट वाला होगा, वैसे कंडीशन में फर्स्ट वाला देख लेते, तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है आपके पास, उस पर लोड आएगा फर्स्ट वाले पोर्शन पर, इसको मैं ले लेता हूँ फर्स्ट पोर्शन नंबर वन, इस वाले ले लिया सेकंड पोर्शन नंबर टू, पहले वाले पे लोड आएगा विच इज़ इक्वल टू पी, जो आप लोड लगा कर रखें वो पी लोड इसके ऊपर आएगा, दूसरे पे कोई लोड नहीं आएगा, जो सेकंड वाला पोर्शन है उस पर कोई भी लोड नहीं आएगा, लार्जर एरिया वाला जो पोर्शन है उस पर आएगा नो लोड, इस पर आएगा नो लोड, कोई भी लोड नहीं आएगा, एक्सेल लोड जीरो लोड, तो जीरो लोड आने के कारण डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा डेल्टा एल टू इसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपका, डेल्टा एल टू इसका हो गया जीरो, हाँ इसका कुछ ना कुछ डेल्टा एल होगा, और डेल्टा एल वन का वैल्यू हो जाएगा आपके पास पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था कैसे लिखना है, तो पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा सी अगर आपको लिखना पड़ेगा तो डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू दोनों आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब डेल्टा एल टू का वैल्यू तो जीरो हो गया, दिस वैल्यू विल बी जीरो, इसको आपने जीरो कर दिया है, तो डेल्टा सी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा सी इज ओनली इक्वल टू डेल्टा एल वन, सिर्फ डेल्टा एल वन हो जाएगा, और डेल्टा सी डिफ्लेक्शन पॉइंट से शुड बी इक्वल 0.75 mm, तो आप उसको लिख देंगे डेल्टा एल वन, क्योंकि डेल्टा सी इक्वल डेल्टा एल वन, सो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू 0.75 mm, इस तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं उसके बारे में बात कर लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करेंगे बताना, इसको ना सीरीज कॉम्बिनेशन सोच के बनाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सीरीज कॉम्बिनेशन सोच के बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन सोच लेते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में डेल्टा एल वन ले लेते हैं प्लस डेल्टा एल टू ले लेते हैं प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल टू ले लेते हैं इक्वल टू गैप ले लेते हैं 0.75 ले लेते हैं, और जो ऐसा करेगा वो गलत करेगा, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज लोड लगा है वो पॉइंट बी पे लोड लगा हुआ है, इलांगेशन जो होगा सिर्फ पहले वाले पोर्शन का इलांगेशन होगा, पहले वाला जो बार है जिसका एरिया कम दिया है वो इलांगेट होगा, दूसरे वाला पोर्शन इलांगेट नहीं होगा। तो राइट मेथड जो है इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, डेल्टा एल वन जो होगा इसको आपको लेना चाहिए 0.75 mm आपको लेना चाहिए, ठीक है, लगा लेते हैं डेल्टा एल वन, पहले वाले पोर्शन को लगा लेते हैं, तो डेल्टा एल वन जो होगा अब देखेंगे, डेल्टा एल वन जो होगा उसके लिए देख लेते हैं, तो डेल्टा एल वन इक्वल 0.75 mm देख लेते हैं, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखिए आपको लगाना है डेल्टा एल वन इज इक्वल टू 0.75 mm इंटू 10^-3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर हो जाएगा, डेल्टा एल का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई इज इक्वल टू 0.75 × 10^-3, पी लोड पी है, लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर दिया है, डिवाइड बाई एरिया आपको 1 cm² दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 10^-4 लगा लीजिए मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस दिया 200 GPa, सो 200 × 10^-9 लगा लीजिए तो ये आ गया पास्कल, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0.75 × 10^-3 मीटर में आ गया, पी को यहाँ रख लीजिए, बाकी सबको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो पी विल बी इक्वल टू 15 × 10^-3 न्यूटन,
दैट इज पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन. तो पी का वैल्यू आ गया आपके पास 15 किलो न्यूटन आ गया है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. राइट आंसर आ गया आपके पास 15 किलो न्यूटन, आपका राइट आंसर आ गया है. यानी ये लोड का वैल्यू अगर 15 किलो न्यूटन होगा तब जाके गैप भरेगा, अदरवाइज नहीं भरेगा. तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 15 किलो न्यूटन. ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा. वैसे अगर आप देखें, वैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो गलत बनाते हैं, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो कुछ लोग बनाएंगे, रॉन्ग मेथड देखिए कैसा होगा, गलत तरीका कैसे लोग सॉल्व कर लेते हैं कई बार, रॉन्ग जो गलत तरीका सॉल्व करने का वो सीरीज कॉम्बिनेशन लोग यूज़ कर लेते हैं. और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू गैप 0.75 mm यूज़ करते हैं, वैसे कंडीशन में भी आंसर आता है पी का, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच करेगा, वो 10 किलो न्यूटन के आसपास का आंसर मैच कर जाएगा. इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन 10 के आसपास का आंसर मे बी परहैप्स मैच कर जाएगा. अगर आप देखेंगे जो कि ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए 10 किलो न्यूटन है, ये भी ऑप्शन मैच कर जाएगा. तो जब इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 में जब क्वेश्चन बनाया गया था तो इसी एम से बनाया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट अगर ध्यान नहीं दे और अगर मिस्टेक करे तो उसका आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग भी आंसर मैच कर सकता है. ऐसा क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया. ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी आता है बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलॉन्गेशन एज वेल एज डिफ्लेक्शन. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं गेट एग्जाम में और इंजीनियरिंग एग्जाम में, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जहाँ पे इलॉन्गेशन के क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं. थोड़ा भी मिस्टेक अगर आप करेंगे, सही तरीके से अगर नहीं बनाएंगे, मे भी हो सकता है क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए. चलिए ठीक है. तो आज की क्लास में मैं कोशिश किया हूँ कि जितना बेटर हो सके उतने बेटर फॉर्म में ये दोनों टॉपिक, दैट इज़ इलॉन्गेशन ऑफ ए बार एज वेल एज डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बार, दोनों में एकदम क्लियर डिफरेंस आपको बता सकूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन लेके आपको समझा सकूँ आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए गेट में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में. पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप, जो मैं सॉल्व किया वो गेट एग्जाम से था 2016, ठीक है. दूसरा वाला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से है. दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 से था. तो मैं दोनों क्वेश्चन लेके समझाना चाहता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो या फिर गेट एग्जाम का पेपर हो, करना कुछ भी नहीं है आपको. आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ लिए बट आपको ना डिफरेंस ही नहीं पता क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. बहुत कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से सही, यानी कम पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं किसी बुक से बट एट द एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं बना पा रहे, दैट इज़ नॉट गुड. वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा. आप ना चीज़ों को ना एकदम ना फाइनल वे में पढ़िए, एकदम कंसाइज वे में पढ़िए, प्रिसाइज वे में पढ़िए कि हाँ भाई चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए. तो मैं ट्राई किया हूँ, ठीक है, कम समय में मैं ट्राई किया हूँ कि आपको चीज़ों को आपको बता सकूँ, समझा सकूँ और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो आज के बाद कभी भी इलॉन्गेशन डिफ्लेक्शन क्वेश्चन आएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज और उसी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे. चलिए ठीक है, बात करते हैं, लेट्स क्रैक गेट एनी एसी. आप जिस यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो को आप देख रहे हैं उसका नाम है अनअकैडमी का लेट्स क्रैक गेट एनी एसी चैनल आप देख रहे हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप बिल्कुल आप कमेंट करिए, आप अप्रिसिएट करिए. अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिल्कुल आप अप्रिसिएट करिए. हाउ यू आर फीलिंग, कितना अच्छा आपको बेनिफिट हो रहा है, आप कितना अच्छा समझ रहे हैं, साथ ही साथ आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग है, एकदम क्लियर वीडियो आपको चाहिए, डेफिनेटली कमेंट, डेफिनेटली कनेक्टेड रहिए मुझसे, डेफिनेटली कमेंट करिए. मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके बाद आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट आपके लिए इंप्लीमेंट किया जा सके. दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक गेट एन ईएसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियोज़ आएंगे वो आपको मिल सकें. साथ ही साथ बेल आइकन जो है, बेल आइकन को हिट कर लीजिए सो दैट जैसे न्यू वीडियोज़ आएंगे तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तुरंत आप देख सकते हैं. वी आर कमिंग लाइव, हम लोग जनरली लाइव आते हैं इस चैनल पे, गेट अकेडमी, इस गेट एंड ईएसी के चैनल पे हम लोग जनरली लाइव आते हैं. लाइव आएंगे आप देख सकते हैं. फिलहाल ये वीडियो मेरा प्रीमियर हो रहा है, लाइव नहीं आ रहा हूँ मैं, एक दो दिन बाद से लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा. तो लाइव आएंगे तो आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए और जितने भी फैकल्टीज लाइव आ रहे हैं इस चैनल पे सभी को आप देखिए, वॉच करिए, बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से आप सीखेंगे, बहुत नए कुछ नया चीज़ सीखेंगे और आपको ना मज़ा आएगा और आपको ना फील होगा दैट यू आर डूइंग गुड. आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आप ना बहुत ही सिंपल वे में प्रिपेयर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छे फैकल्टी से पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, सो एवरीथिंग विल बी वेरी सिंपल टू यू, बहुत ही सिंपल हो जाता है. चलिए ठीक है, अब बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आप
गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन दोनों को अगर मान लीजिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो फॉर कंप्लीट स्टडी के लिए, अगर कंप्लीट स्टडी के बारे में बात करूँ और कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूँ, सो सब्सक्राइब अनअकैडमी गेट एन ईसी सब्सक्रिप्शन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यूज़ माई कोड लाइव एम एस मेरा कोड है, इसको आप यूज़ कर लीजिए टू गेट 10% डिस्काउंट लिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलूँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, या तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलूँगा, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे जो वीडियोज़ होंगे एकदम डायरेक्ट होंगे, राइट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियोज़ में आइए, वीडियोज़ को देखिए, बेनिफिट होगा, चीज़ों को समझिए और गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में सीधा सीधा उसको अप्लाई करिए। बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड होगा, एकदम बहुत ही सिंपल टॉपिक्स लूँगा, जितने अच्छे हो सकते होते अच्छे टॉपिक, एकदम क्लियर वे में, जितना बेटर हो सकता है सिंपल लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स में आपसे बात किया हूँ, चाहे वो सॉम हो, एफएम हो, टॉम हो, इंडस्ट्रियल हो, वाइब्रेशन हो, प्रोडक्शन हो, सभी सब्जेक्ट्स में कोशिश करूँगा जितना बेटर आपको मिल सके, जितना अच्छा आपको मिल सके उतना बेटर हम लोग कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।